नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शिव कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ देश की प्रमुख खबरों के साथ। चर्चा करेंगे अभी के टॉप 10 न्यूज के बारे में, क्या कुछ खास चल रहा है देश के अंदर। इन तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि अभी कोरोना के और क्या हालात हैं देश के अंदर। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले घटते हैं, तो इन तमाम जानकारियों से आपको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आखिर और क्या कुछ चल रहा है देश विदेश के अंदर। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज कोरोना के अंदर क्या कुछ आंकड़े आ रहे हैं देश के अंदर। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 53,256 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही देश में कोरोना की वजह से 1,422 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। केरल में 11,647 नए कोरोना के मामले सामने आए, 12,459 रिकवरी हुई और साथ में 112 लोगों की जानें भी गईं। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 9,361 नए मामले सामने आए और 190 मौतें। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 311 अंकों की उछाल के साथ खुला। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में भारी बारिश हो सकती है। आज राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोरोना पर श्वेत पत्र करेंगे जारी। बीजेपी एमपी संघमित्रा ने की नुसरत जहां की सदस्यता रद्द करने की मांग, ओम बिरला को लिखा पत्र। दिल्ली में आज शाम 4 बजे राष्ट्र मंच की बैठक, देश के मौजूदा हालात पर होगी चर्चा। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को यूजीसी का फरमान, लगाएं पीएम मोदी को धन्यवाद वाले पोस्टर सूत्र। वाराणसी में 23 जून से खुलेगी सर सुंदरलाल चिकित्सालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। टॉप 10 न्यूज के अंदर अभी के लिए इतना ही। नए टॉप 10 न्यूज के साथ फिर एक बार हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है या फिर रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।